घर में सो रहे परिजनों की पीठ पर चाकू और कनपट्टी पर असला लगाकर लाखों के आभूषण और नकदी लूट कर फरार हुए चोर। बताते चले आपको, पुलिस को खुली चुनौती दे दी गई है। यूपी के जनपद शाजापुर के थाना रोजा क्षेत्र के ग्राम पिपरिया में देर रात करीब 2 बजे भूपेंद्र के घर में घुसे बदमाशों ने असलाह की नोक पर डकैती को अंजाम दिया। परिजनों को चारपाई पर बांध के घर में रखे लाखों के आभूषण व नकदी लूट कर फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार, सीओ सदर बीएस वीर कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। परिजनों व आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद जल्द ही खुलासे की बात की जा रही है। मुकेश कठेरिया की रिपोर्ट। ये थाना रोजा के क्षेत्र के अंतर्गत हथौड़ा चौकी में ग्राम पिपरिया जो मोमदी से पहले पड़ता है, यहाँ पे देर रात्रि में कुछ लोगों के घर में घुसकर लूटपाट की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर सीओ सदर और मेरे द्वारा थाना अध्यक्ष और मौके पर देखा गया, भ्रमण किया गया। तो जानकारी में आया कि देर रात्रि में 2 या 3 लोग इस घर में घुसे हैं। घर में घुसकर उनके गन पॉइंट पर लेकर उनके घर से लूटपाट की गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कुछ नकदी, 5,000 रुपये नकदी और कुछ ज्वेलरी जाना बताया गया है। इस संबंध में जानकारी की जा रही है, कुछ संदिग्धों के बारे में जानकारी हुई है, जिनके संबंध में गिरफ्तारी के लिए और दबिश के लिए टीमें बनाई गई, 3 टीमें बना दी गई हैं, एक सीओ सदर नेतृत्व में और एसओ हथौड़ा और एसओ जी को लगाया गया। बहुत जल्दी इस घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। इसी पैटर्न पर कुछ दिन पहले एक आर्टिफिशियल क्षेत्र में भी चोरी हुई, क्या लगता है? हाँ, हम लोग दोनों घटनाओं की एक रूपता समानता के बारे में विचार कर रहे हैं और जो संदिग्धों के नाम प्रकाश में आ रहे हैं उनको लेके पूछताछ करेंगे और उस घटना को भी इसे लिंक करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है इस घटना में वही लोग शामिल हों।